दोस्तों, ये सभी कमेंट्स आप लोगों ने मेरे पिछले ऑक्सीजन ओएस 13.1 इंस्टॉलेशन वीडियो में किए थे और इन सभी कमेंट्स के लिए दोस्तों आप लोगों का जय दिल से थैंक यू। लेकिन इन सभी कमेंट्स में दोस्तों आप लोगों का एक सीधा सवाल था कि क्या हमें ऑक्सीजन ओएस 13.1 इंस्टॉल करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है तो इंस्टॉल करने के बाद दो चार प्रॉब्लम्स है जो बहुत लोगों को मिल रही है अपडेट के बाद, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मुझे दो टाइप के कमेंट मिले। 30% दोस्तों पॉजिटिव कमेंट थे, मतलब कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद 30% लोगों का जो फोन है वो ज्यादा स्मूथ चलने लगा, नॉर्मल चलने लगा। और बाकी के दोस्तों जो 70% कमेंट थे या तो वो नेगेटिव कमेंट थे, जैसे कि हीटिंग वगैरह के इश्यू के कमेंट थे, या फिर क्वेश्चन थे कि क्या हमें ऑक्सीजन ओएस 13.1 को इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों का दोस्तों फोन अच्छा चल रहा है उन लोगों को चाहे दिल से कांग्रेचुलेशन। लेकिन बहुत लोगों को दोस्तों अपडेट करने के बाद मेनली तीन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। एक हो गया परफॉर्मेंस ड्रॉप, दूसरी हो गई हीटिंग इशू, और तीसरी हो गई दोस्तों बैटरी ड्रेनेज की इशू। तो ये तीन दोस्तों कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में मिले हैं, तो इन सभी के ऊपर बात करूंगा कि अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इन सभी का सॉल्यूशन क्या है और मुझे क्या क्या इनमें से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर मैं दोस्तों हीटिंग इशू की बात करूं तो मुझे दोस्तों एज सच कोई हीटिंग इशू उतना नहीं मिला है। 90% ऑफ द टाइम दोस्तों मेरा फोन नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल जो हीट होता है वो हो रहा था। लेकिन 10% ऑफ द टाइम दोस्तों जैसे मैं अगर आधे घंटे 10 मिनट तक जैसे अभी वीडियो बना रहा हूं तब दोस्तों मेरा फोन हीट होता है, जो कि नॉर्मल है, सभी फोन ऐसा हीट होते हैं ज्यादा कैमरा यूज करने से। लेकिन 90% ऑफ द टाइम दोस्तों मुझे हीटिंग इशू कुछ भी महसूस नहीं हुई, मेरा फोन बढ़िया से चल रहा था। उसके बाद दोस्तों अगर बैटरी ड्रेन की इशू की बात करें तो बहुत लोगों ने कहा है कि पहले उन लोगों का फोन 7 आवर 6 आवर का SOT देता था, लेकिन अपडेट के बाद दोस्तों 4 घंटे 4.5 घंटे का SOT देने लगा है। मेरे साथ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा फोन दोस्तों पहले 6 आवर 6 आवर 30 मिनट SOT देता था और अपडेट के बाद भी दोस्तों उतना ही दे रहा है, 5 मिनट कम ज्यादा दे रहा है, लेकिन दोस्तों उसी रेंज के आसपास दे रहा है। तो हीटिंग इशू और बैटरी ड्रेन इशू दोस्तों मुझे अभी तक नोटिस नहीं हुए अपडेट के बाद, अगर मिलेगी तो मैं आप सभी को अपडेट कर लूंगा। और तीसरा नंबर प्रॉब्लम था दोस्तों बहुत लोगों को, वो था परफॉर्मेंस में ड्रॉप। और मुझे भी दोस्तों जब मैंने अपडेट किया था मेरा फोन, पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई थी दोस्तों वो था परफॉर्मेंस में ड्रॉप। और दोस्तों परफॉर्मेंस ड्रॉप ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐप वगैरह यूज करते तो क्रैश हो जाता है या फिर ऐप लैग करने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप नॉर्मली, पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन ओएस में बहुत जल्दी एनिमेशन होता, अगर आप ऐप खोलते थे तो बहुत जल्दी खुलता था, लेकिन अपडेट के बाद दोस्तों मुझे ये नोटिस हुआ है कि जो ऐप ओपनिंग टाइम है या फिर ऐप एनिमेशन है वो थोड़ी बहुत मुझे स्लो देखने को मिली है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो एनिमेशन की स्पीड है ऐसा लगता है कि कभी कभार एनिमेशन लैग हो जाता है, तो ये मुझे परफॉर्मेंस में देखने को मिला है दोस्तों इशू। बाकी तो ऐसे नॉर्मल एप्स वगैरह तो अच्छे से काम करते हैं, सब कुछ दोस्तों ठीक है, लेकिन ये जो ऐप ओपनिंग टाइम है और ऐप की जो स्मूथनेस है वो थोड़ी कम हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया है, अब अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मैं दोस्तों अपडेट के बाद हमेशा दो चीजें करता हूं, चाहे मैं OnePlus का अपडेट करूं या Samsung या किसी भी और फोन का। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं जो करता हूं वो है टेम्पररी फाइल्स और जो कैश फाइल्स होते हैं उन सभी को डिलीट करना। आप लोगों को भी दोस्तों जो टेम्पररी और कैश फाइल्स होते हैं उन सभी को डिलीट कर देना है फाइल्स ऐप की मदद से, या फिर बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप मिलते हैं, आप उनकी मदद से ये सभी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को जितने भी आपके ऐप्स है, गूगल प्ले के जितने भी ऐप्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी को दोस्तों हमेशा अप टू डेट रखना है, अपडेट करके रखना है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभार जो अपडेट पुराना हो जाता है तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कंपेटिबल नहीं होता है, तो वो हमें हीटिंग वगैरह की इशू देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें आप दोस्तों डेफिनेटली करिएगा अभी आपके फोन के साथ, और बाकी तो दोस्तों सब OnePlus के हाथ के ऊपर है कि कैसा अपडेट वो लोग पुश करते हैं। हम सभी तो इतना ही कर सकते हैं कि जो अप टू डेट है वो रखे और टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कर दे। और जिन लोगों ने दोस्तों अपडेट नहीं किया है उन लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि इस अपडेट में दोस्तों कुछ भी नया नहीं है, ना ही हमें होम स्क्रीन अलग मिलता है, ना ही सेटिंग्स का मेनू अलग मिलता है, सब कुछ दोस्तों पहले जैसा ही सेम टू सेम है, उल्टा लोगों के फोन खराब हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको जरूरत नहीं तो अपडेट मत करिए, अगर करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी दोस्तों नया फीचर तो अभी OnePlus ने इसमें ऐड नहीं किया। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आप में से बहुत लोग दोस्तों बिना लाइक और सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो फिल्म लगा तो जय हिंद, वंदे मातरम।